दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा चुनावी मोड पर आ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी यानी कि आने वाले 90 दिन के अंदर हरियाणा की 90 विधानसभा के चुनाव का आगाज हो जाएगा, यानी कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हरियाणा के अंदर जो 90 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी 40 विधायकों के साथ। हालांकि आज तो बीजेपी के 41 विधायक हैं, उस समय जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी के 40 विधायक चुनकर आए थे। 40 विधायकों के साथ जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक मिले और बाकी निर्दलीय विधायकों का साथ मिला और मनोहर सरकार शुरू हुई, जो अब नायब सरकार में बदल चुकी है। बहुत कुछ बदल गया समय बीतते बीतते। 40 से 41 विधायक हो गए भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर से नायब आ गए, जननायक जनता पार्टी का साथ छूट गया और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो निर्दलीय विधायक जो सहयोगी थे उनमें से मात्र एक साथ रह गया, वो भी कल जाते जाते बच गया। जा रहे थे एक बार नैनपाल, जो साथ हैं आजकल। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को लेकर। हरियाणा कांग्रेस जिसके अंदर लंबे समय से एक बात चली आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज सैलजा एंड अदर्स। मैं अदर्स इसलिए कह रहा हूँ कि पहले सैलजा गुट के अंदर हुआ करते थे कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, कहा जाता था SRK। समय बदला तो किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर चली गई और एक तरह से बड़ा आघात लगा कुमारी सैलजा को। उनकी जो साथी थी, जिन्होंने पारिवारिक रिश्ता भी जोड़ा हुआ था ननद भौजाई का, वो रिश्ता भी टूट गया क्योंकि जब संगठन और सरकार पार्टी से अलग हो गए तो वो रिश्ता खुद ब खुद अलग हो गया। खैर, सामाजिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक रिश्ता अलग हो गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला आजकल कहीं वैसे गायब से दिखाई देते हैं, चर्चा में जो परिदृश्य में कम दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद चर्चा चली कि SRK की बजाय फिर अब SRV हो गया, सैलजा, रणदीप और चौधरी वीरेंद्र सिंह। बाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंचे, हुड्डा साहब के साथ भी गए, फिर कभी यहाँ, मतलब उनका अलग अंदाज है। तो इस लिहाज से माने तो कुमारी सैलजा जो एक बड़ा पावरफुल गुट बना था, वो पावरफुल गुट लोकसभा चुनाव के बाद कहीं कमजोर पड़ता दिखा। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर जो 9 टिकटें इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में आई थी, उनमें से मात्र एक कुमारी सैलजा की अपनी सिरसा की सीट ही सैलजा खुद ले पाई। बाकी की जो 8 सीटें थी वो सभी कहीं ना कहीं हुड्डा समर्थक रहे। और आप देख सकते हैं कि उनमें से जो सांसद जीत कर आए, 4 सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा कह लें, सतपाल ब्रह्मचारी, दीपेंद्र हुड्डा हुड्डा साहब के बेटे ही हैं, सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से जीते, हिसार से JP जीते और अम्बाला से वरुण मुलाना जीते, वो चारों लोग हुड्डा साहब के नज़दीक दिखाई देते हैं। और अगर मैं हारने वालों की बात करूं, जो कैंडिडेट चुनाव हारे, चाहे राव दान सिंह हों, चाहे राज बब्बर हों गुरुग्राम वाले, चाहे आप उसमें ले सकते हैं करनाल के कैंडिडेट को दिव्यांशु बुद्धि राजा को, ये सभी लोग, इनको अगर देखें तो फिर ये सब लोग भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं हुड्डा साहब के साथ। इस लिहाज से मैं कह रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव के अंदर अब नज़र रहेगी कि हुड्डा गुट से कौन और सैलजा गुट से कौन। आप कुछ भी कहें, चाहे वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं तो आपसे लगातार कहता रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, इंटरनल पॉलिटिक्स सब में रहती है, आंतरिक गुटबाजी सभी पार्टियों में हुआ करती है। इवन पार्टी को छोड़े आप सामाजिक संगठन ले लें, क्षेत्रीय दल ले लें, पारिवारिक पार्टियाँ ले लें और भले ही आप फिर परिवार ले लें, बड़े परिवार, सभी के अंदर कहीं ना कहीं बड़े छोटे भाई में गुट बन जाता है। आप देखें तो जो ओम प्रकाश चौटाला जी की परिवार की पार्टी थी, वो पार्टी तो 2 हिस्सों में बट गई, इनेलो और जननायक जनता पार्टी में। तो इसलिए इसको कहीं अदरवाइज लेने की बात भी नहीं होती। कई लोग इस पर बड़ा स्यापा मचाते हैं कि जी आप वैसे कह रहे थे, फलाने से कह रहे थे। खैर, जो कांग्रेस के अंदर दिखता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और कुमारी सैलजा गुट जो प्रभावशाली हैं, जो हुड्डा विरोधी खेमा जो भी होता है वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलना है कुमारी सैलजा के साथ में। और मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने चला हूं कि आखिर जो लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कुमारी सैलजा कहती रही हैं लगातार कि टिकटों का वितरण अगर सही होता तो ज्यादा लोग चुनाव जीतते,
अब वो टिकटों का वितरण कैसे सही होता और क्या कुमारी सैलजा ने किन की संस्तुति की थी, बात क्यों नहीं बनी या क्या हुआ। अगला जब विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव को लेकर नजर रहेगी कि आखिर कौन किसकी संस्तुति करेगा, कौन किसके नंबर आगे भेजेगा और किसमें किसकी दाल गल सकती है। अगर मैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करूं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, तो कौन से तो हुड्डा गुट के हैं और कौन से सैलजा गुट के हैं, और सैलजा गुट के हुड्डा नेता खासकर इस चुनाव में कितने प्रभावी रह सकते हैं, टिकट की दौड़ में वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुमारी सैलजा की जो उनके प्रति जो पैरवी होगी वो कितनी हो सकती है और वो कितनी प्रभावी हो सकती है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, जहां पर कि 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र, उन 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कुमारी सैलजा गुट में कौन कौन से नेता हैं, अगर उन पर नज़र दौड़ाई जाए तो फिर सबसे पहले बात आएगी तिगांव विधानसभा क्षेत्र की। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के टिकट के लोग हैं उनमें ललित नागर हैं, उनमें जेपी नागर हैं, उनके अंदर अगर आप देखें तो फिर जगत सिंह नागर हैं, ये तमाम कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर ये सभी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में ही दिखाई पड़ते हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में मुझे कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता कि जिन पर सीधे सीधे बात आ जाए कि ये कुमारी सैलजा की तरफ से हैं। अब अगर अगले विधानसभा क्षेत्र पर आए तो फिर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र, फरीदाबाद सिटी का एरिया, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आप देखें तो फिर वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लखन सिंगला है जो जिनको पिछली बार भी टिकट मिला था, तो वो हुड्डा गुट में हैं। और अगर सैलजा गुट की बात करें तो सैलजा गुट में बलजीत कौशिक हैं, बलजीत कौशिक के भाई आनंद कौशिक विधायक रहे हैं फरीदाबाद से एक बार, और एक बार उनको टिकट मिला बल्लभगढ़ से, हालांकि वो वहाँ पर कोई प्रदर्शन अच्छा अपना नहीं कर पाए। अगर अगले विधानसभा यानी कि एक पहला कैंडिडेट उनके पास फरीदाबाद के अंदर जिनको मान सकते हैं कि जो मजबूत हो सकता है, जिनके लिए वो पैरवी करेंगी, वो बलजीत कौशिक हुए। अब अगर अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो फरीदाबाद के बाद हम बात करेंगे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की। बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कुमारी सैलजा के गुट में जो नेता है वो है योगेश धींगड़ा, भुवनेश धींगड़ा जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, स्वर्गीय भुवनेश धींगड़ा के भाई हैं योगेश धींगड़ा, नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं, उनके लिए कुमारी सैलजा पैरवी कर सकती हैं, उनका नाम हो सकता है। हम आपसे प्रमुख नामों की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम अगले नाम चलें तो फिर फरीदाबाद NIT की विधानसभा सीट, फरीदाबाद NIT से कौन हो सकते हैं, तो मैंने कई ऑटो रिक्शाज पर देखे हैं रिंकू के नाम से एक नेताजी के फ़ोटो लगे होते हैं और कुमारी सैलजा का उनके साथ में फ़ोटो लगा होता है, तो रिंकू भड़ाना है या रिंकू चंदीला है वो हो सकते हैं। उनके लिए कुमारी सैलजा कितनी पैरवी कर सकती हैं, क्योंकि NIT में नीरज शर्मा विधायक हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में और सबसे मजबूत कैंडिडेट वो हैं। उस समय भी चुनाव जीत गए जब हरियाणा के अंदर BJP सरकार बनाने में सफल रही 2019 में। अब अगर अगला विधानसभा क्षेत्र ने तो बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के अंदर जो कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट्स हैं, मैं आपसे सैलजा गुट की अगर बात करूं, हुड्डा गुट में तो आप कुमारी शारदा राठौर को सबसे ऊपर मान सकते हैं, ललित बंसल उसके बाद में हो सकते हैं। अगर सैलजा गुट में लें तो बल्लभगढ़ के अंदर दीपक चौधरी का नाम आता है, बल्लभगढ़ के अंदर मनोज अग्रवाल का नाम आता है, और बल्लभगढ़ के अंदर ही एक वंदना है उनका नाम आता है, तो सबसे प्रभावी नाम मैं मानता हूँ कि मनोज अग्रवाल का हो सकता है। दीपक चौधरी भी पिछले दिनों ही, वो पहले करण सिंह दलाल के साथ भी कभी रहे और उसके बाद में वो दलाल साहब हुड्डा साहब के साथ थे, उसके बाद वो धीरे धीरे पहुंच गए। अब कुमारी सैलजा के कार्यक्रमों में उनकी काफ़ी हाजिरी होती है, उनके मैं कुछ बॉर्डर होर्डिंग बोर्ड भी देख रहा था जिसमें कुमारी सैलजा के फ़ोटो लगे हैं। अगर बल्लभगढ़ से आगे चलते हैं तो फिर प्रथला विधानसभा, प्रथला विधानसभा के अंदर आप मान सकते हैं तो राकेश तंवर कुमारी सैलजा गुट से हैं, और अगर रघुवीर सिंह तेवतिया वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में हैं, वहाँ पर हेम डागर हेम चौधरी जो हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं। अगर अगली विधानसभा पर जाएं तो फिर पलवल में मुझे कोई चेहरा दिखाई पड़ता नहीं कि जिन्हें हम जोड़ सकें कि ये कुमारी सैलजा गुट से हैं। अगर हम होडल विधानसभा में जाएं तो फिर होडल विधानसभा में खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान हैं, उनके मुकाबले मुझे कोई दिखता नहीं ऐसा नेता जिनसे हम कह दें कि ये कुमारी सैलजा गुट में है। फिर अगर आगे आए तो फिर हथीन विधानसभा आता है, हथीन विधानसभा के अंदर हथीन के पूर्व विधायक हैं चौधरी हर्ष कुमार,
चौधरी हर्ष कुमार ने इस चुनाव के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप को अपना समर्थन दिया जननायक जनता पार्टी छोड़कर। हुड्डा साहब के साथ उन्होंने मंच साझा किए और उसके बाद में वो पहुंचे कुमारी सैलजा के साथ भी मिलने के लिए। कुमारी सैलजा के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी दी। मुझे लगता नहीं कि शायद उन्होंने अभी तक कांग्रेस ज्वाइन तो की नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बधाई देने वो सैलजा जी को गए, मंच साझा किए, हुड्डा साहब के साथ भी समर्थन महेंद्र प्रताप जी को भी दिया। लेकिन उनकी पैरवी क्या कितनी प्रभावी क्या सैलजा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसराइल चौधरी सशक्त दावेदार हैं, वो हुड्डा गुट से हैं। इसके अलावा हथीन में सैलजा गुट के अंदर दो और भी नेता हैं, साबिर खान हैं, उनकी धर्मपत्नी जिला पार्षद है, और अगर अगला नाम ले तो फिर बिलाल चौधरी, बिलाल मोहम्मद, बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो भी कुमारी सैलजा गुट में है। अब वहाँ पर सैलजा जी की क्या दाल गल सकती है, किसके लिए गलेगी? सबसे प्रमुख बात ये आती है दोस्तों कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जहाँ पर कि 9 विधानसभाएं हैं, उन 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आप मान करके चलें तो 3 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सैलजा जी के पास कोई नेता ही नहीं है। अगर आगे देखें तो फिर भले ही आप NIT में, मैंने आपको नाम बताया, लेकिन वहाँ नीरज शर्मा का मुकाबला वो कर नहीं सकते रिंकू। अगर मैं बात बल्लभगढ़ की करूँ तो भले ही मनोज अग्रवाल यहाँ पर हों, भले ही यहाँ पर और जो मैंने आपको नाम गिनवाए दीपक चौधरी हैं, लेकिन जितनी प्रभावशाली शारदा राठौर हैं, शारदा के मुकाबले कितनी पैरवी कर पाएंगी कुमारी सैलजा अपने किसी कैंडिडेट की? अगर पृथला की बात करें तो फिर यहाँ पर क्योंकि हुड्डा साहब के पास में रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, अगर रघुवीर सिंह तेवतिया से नाम कटता है तो फिर हेम डागर हैं, इनके मुकाबले राकेश तंवर की कितनी पैरवी कर पाएंगी वो? और अगर मैं आपसे बात करूँ बड़खल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर क्योंकि बड़खल में महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप हैं, विजय प्रताप के मुकाबले योगेश ढींगड़ा की कितनी पैरवी हो पाएगी? यानी कि देखना ये होगा कि कुमारी सैलजा जो आरोप लगाए जिन्होंने पिछले दिनों कि लोकसभा चुनाव में अगर टिकट वितरण सही होता तो फिर कुछ और रिजल्ट होते, 5 सांसद जीत गए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, मैंने आपसे आज फरीदाबाद की बात की, पूरे हरियाणा के हर जिलों की बात करेंगे कि कुमारी सैलजा के कौन कौन से नेता सैलजा गुट से दावेदार हो सकते हैं और वो कितने प्रभावशाली हैं। मैंने जो आपको नाम बताए कुमारी सैलजा गुट से, चाहे वो पृथला हो, चाहे वो बल्लभगढ़ हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, जो सैलजा गुट के नेता हैं, क्या कुछ उनका प्रभाव हो सकता है? कुमारी सैलजा किन लोगों की टिकट के लिए पैरवी कर सकती हैं, किन लोगों को चुनाव में टिकट मिले? और आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिला, ऐसे ही क्या हुड्डा को फ्री हैंड मिलेगा, या कुमारी सैलजा की भी सिरसा से बाहर कहीं और भूमिका रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।